यूपी में बेटियों के भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है यूपी की भाग्यलक्ष्मी योजना। योजना का मकसद प्रदेश की हर बेटी को सही पालन पोषण देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को शिक्षित करना है। बता दें, योजना के तहत प्रदेश में बेटी के जन्म पर उसके माता पिता को आर्थिक मदद दी जाती है और बेटी की पढ़ाई के दौरान भी सरकार उनकी मदद करती है। योजना का मकसद प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाना है। तो कितने रुपए तक दी जाती है आर्थिक मदद और किस तरह आप उठा सकते हैं इस योजना का लाभ, आइए जानते हैं। तो ये योजना शुरू हुई थी साल 2017 में, जिसके तहत प्रदेश में बेटी के जन्म पर उसके माता पिता को 50,000 रुपए का एक बॉन्ड दिया जाता है। जन्म के वक्त मिला ये बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होकर 2,00,000 हो जाता है। इतना ही नहीं, जन्म के समय ही बेटी की माँ को अलग से 5,100 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से बच्ची का पालन पोषण कर सके। इसके बाद जब वो बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो सरकार की ओर से 3,000 की मदद, कक्षा 8 में प्रवेश करने पर 5,000 की मदद, 10वीं में 7,000 की मदद और बच्ची के 12वीं में पहुंचने पर 8,000 रुपए बेटी के खाते में जमा किए जाते हैं। इस तरह जन्म से लेकर बेटी की पढ़ाई के दौरान सरकार कुल 23,000 रुपयों की मदद करती है। अब इस योजना के लिए पात्रता की बात करें तो सबसे पहले तो आवेदक यूपी का रहने वाला हो, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपए से कम हो या वो बीपीएल कैटेगरी में आता हो, तभी इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये तो रही पात्रता की बात, पर इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जैसे योजना का लाभ प्रदेश की सिर्फ उन बच्चियों को दिया जाएगा जिनका जन्म साल 2006 के बाद हुआ है। इसके अलावा बेटी के जन्म के 1 महीने के अंदर ही आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। बच्चे की शिक्षा सरकारी स्कूल में हो और बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए। मालूम हो सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पात्रता और शर्तें जानने के बाद अब आते हैं आवेदन पर। तो सबसे पहले तो बता दें, योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती है। योजना का आवेदन फॉर्म पाने के लिए आपको सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर प्रिंट करा सकते हैं। इसके बाद इसमें पूछी गई सभी जरूरी जानकारी भर दें और सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक और माता पिता के आधार कार्ड को इसके साथ अटैच कर दें और इस आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या फिर महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दें और बस योजना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यही खत्म हो जाता है। लेकिन अब अगर आप इस योजना के लिए आवेदन पहले से ही कर चुके हैं और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है तो आप इसके स्टेटस की जानकारी जहां आपने आवेदन फॉर्म जमा किया है यानी कि आंगनवाड़ी केंद्र या फिर महिला कल्याण विभाग के कार्यालय से पा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।